में पैदा हो गई और ढाका और अन्य शहरों में इस तरह की हिंसा की तस्वीरें सामने आई। लेकिन कुल मिलाकर के देश के प्रधानमंत्री की जवाबदेही इस पर बनती है। देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश की अभी तक कहा जा सकता है कि वर्तमान में वो प्रधानमंत्री है, क्यों अब तक इस्तीफे की जानकारी सामने नहीं आई है। सैन्य तख्तापलट होगा या फिर नहीं, यह भी समय बताएगा और इसके लिए इंतजार मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा करना नहीं होगा, क्योंकि तस्वीरें यही बता रही है कि सेना की ओर से अल्टीमेटम तो अब दे दिया गया है, लेकिन अल्टीमेटम पर क्या करना, क्या रुख करने वाली है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी पीएम आवास में दाखिल हो गए। जिस जवाब का वो इंतजार कर रहे थे, वो जवाब जब नहीं मिला तो गुस्सा फूट पड़ा, आक्रोश फूट पड़ा और उसके बाद प्रधानमंत्री के पैलेस में, पीएम आवास ढाका पैलेस में वो दाखिल हो गए बड़ी तादाद में। और इसके बाद अब जानकारी ये है कि हो सकता है भारत का रुख किया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेफ एनवायरमेंट की जरूरत उन्हें भी। लेकिन बांग्ला न्यूज 24 की वेबसाइट के अनुसार शेख हसीना के भारत के पश्चिम बंगाल जाने की खबर है। हेलीकॉप्टर के जरिए ढाका छोड़ दिया है शेख हसीना ने। इस मुख्य मुद्दे को समझने की कोशिश करें तो ढाका और अन्य शहरों में विश्वविद्यालय के 1971 छात्र 1971 में पाकिस्तान से देश की आजादी के लिए लड़ने वाले युद्ध नायकों और रिश्तेदारों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ नौकरियों को आरक्षित करने की मांग पर संग्राम छेड़ चुके हैं। आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ छात्र कई दिनों से रैली और प्रदर्शन कर रहे हैं। मौजूदा आरक्षण प्रणाली जो है उसके तहत 56% सरकारी नौकरियां आरक्षित है, जिसमें 30% 1971 के मुक्ति के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित रखी गई है। इसके अलावा 10% पिछड़े प्रशासनिक जिले, 10% महिलाओं, 5% जातीय अल्पसंख्यक समूह और 1% नौकरियां दिव्यांगों के लिए आरक्षित है। और इसी आरक्षण के पैटर्न के खिलाफ ये बड़ी तादाद में छात्र जुटे हुए हैं, जिस पर हसीना सरकार से उन्होंने इस व्यवस्था को बदलने की मांग की। ये मांग देखते देखते एक बड़े प्रदर्शन में तब्दील हो गई और अब जो जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि देखिए मिनट मिनट पर इस मामले पर अपडेट आ रही है, अब अपडेट ये है कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ढाका पैलेस छोड़ा है और फिर वो वहां से निकली, यानी कि अभी तक आधिकारिक औपचारिक बयान जो है औपचारिक तौर पर वो सामने नहीं आ पाया है। लेकिन जानकारी सूत्रों के हिसाब से सामने आ रही है कि पहले उन्होंने इस्तीफा सौंपा, इस्तीफे की पेशकश कर दी क्योंकि इस्तीफे की मांग हो रही थी और फिर ढाका से वो निकली इस्तीफा देने के बाद। यानी कि अब इस मौजूदा समय में शेख हसीना कहां पर है इस पर लेकर सवाल, लेकिन क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है या इस्तीफा देना अभी बाकी है, ये कई सारे सवाल। तस्वीरें आपको बांग्लादेश की ढाका से दिखा रहे हैं, एक बड़ी तादाद में लोगों की संख्या इस तस्वीर के जरिए आपको नजर आ भी रही है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की बहन शेख रिहाना के साथ उन्होंने ढाका पैलेस छोड़ दिया है और बड़ी जल्दबाजी में हेलीकॉप्टर उन्हें लेकर के निकल गया है। एक सुरक्षित जगह पर वो निकली है, हो सकता है वो भारत हो सकता है वो किसी और देश का कोई और हिस्सा हो, क्योंकि कई सारी तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बांग्लादेश की ढाका से सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। प्रदर्शन अभी भी छात्रों की ओर से जारी है। आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण के पैटर्न को बदलने को लेकर के मुद्दा शुरू हुआ 1971 में। जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए, उनके वंशजों के लिए कई तरह के पैटर्न्स वहां पर, और ऐसे में छात्रों की मांग यही है कि उन्हें भी सिक्योरिटी, उन्हें भी सोशल इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरेंस की वजह से आप अपने हक की मांग के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। लेकिन ये देखते देखते उपद्रव के भीतर तब्दील हो चुका है और उपद्रव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि 300 लोगों की मौत की सूचना तो है ही, हर एक न्यूज वेबसाइट पर आपको 300 लोगों की मौत की खबर की जानकारी मिलेगी, लेकिन पुष्टि अब तक इसने नहीं की है। सेना अब इस पूरे एनवायरमेंट को किस तरह से अपने हाथ में लेती है, किस तरह से इसे सिक्योर करने की कोशिश करती है, जिंदगी को किस तरह से ट्रैक पर लाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री के बगैर अभी वहां पर हालात क्या है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ 4 बजे बड़ा ऐलान करने वाले हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी खबर। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बांग्लादेश छोड़ा, यानी कि ढाका पैलेस जब छोड़ा उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। बांग्लादेश में अब सैन्य तख्तापलट का अंदेशा और ज्यादा पुख्ता हो गया है। ढाका में प्रधानमंत्री आवास में हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी दाखिल हो गए। बांग्लादेश के आर्मी चीफ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और 4 बजे के आसपास आर्मी चीफ बड़ा ऐलान कर सकते हैं और संभवतः जो ऐलान होगा वो यही होगा कि सैन्य तख्तापलट अब हो गया है बांग्लादेश में। पुलिस की जगह सेना के जवान तैनात कर दिए गए हैं फील्ड में, क्योंकि
बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर हैं और किसी भी परिस्थिति से निपटने की कोशिश, क्योंकि कल 6 बजे से ही उपद्रव चल रहा था। आपको ज्ञात हो 6 बजे के बाद से मोबाइल फोन्स बंद है, इंटरनेट बंद है, हाथों में झंडा थामे हुए बहुत बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी अब कहीं ना कहीं सड़कों पर हैं। कल सत्तारूढ़ दल के साथ, आवामी लीग के साथ उनकी झड़प हुई, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की सूचना। प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बांग्लादेश के ढाका से सीधी तस्वीरें हैं। और जानकारी यह है कि प्रधानमंत्री आवास में हजारों प्रदर्शनकारी दाखिल हुए, अभी बांग्लादेश के आर्मी चीफ नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। स्थिति को किस तरह से समझा जाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्रूशियल सिचुएशन किसी भी देश के लिए। आप सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही थी, वो निकली इस्तीफा, उन्होंने अब लगभग जो जानकारी है उसके हिसाब से उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्होंने ढाका को छोड़ा। हिंसा की चपेट में बांग्लादेश उस समय है। तीन अलग अलग तस्वीरें और हर एक अपडेट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस बड़े खबर पर। बांग्लादेश के आर्मी चीफ अब 4 बजे बड़ा ऐलान करने वाले हैं और संभवतः जो ऐलान होगा वो होगा सैन्य तख्ता पलट का, यानी कि सेना की ओर से। पहले भी इस्तीफे की मांग की गई थी, सिचुएशन वो हैंडल नहीं कर पा रही थी, कई सारी खबरें इस पर चल रही थी। हमारे साथ में दिल्ली न्यूज एडिटर और सहयोगी आदिति नागर जुट गया। आदिति, सैन्य तख्ता पलट का अंदेशा जो है इस खबर के बाद और ज्यादा पुख्ता हो गया, क्योंकि कल 6 बजे से जिस तरह की हिंसक तस्वीरें सामने आई और उसके बाद में अब शेख हसीना जानकारी है कि इस्तीफा दे चुके हैं प्रधानमंत्री पद से। आदिति, बिल्कुल, और आप देखेंगे कि करीब 3 बजे का समय था, पहले 1:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन अब 3 बजे के बाद अब किसी भी वक्त से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, जिसमें बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकर उज जमान एक देश को संबोधित करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यहाँ तक कि खबरों के मुताबिक देखिए, पिछले 3 हफ्ते से जिस तरीके से स्थिति हुई बड़ी, 300 से ज्यादा लोग मौत हो चुकी है, और इससे पहले जब ये खबर आई कि शेख हसीना करीब 2:30 बजे एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी, उनके साथ उनकी बहन भी है, और वो देश छोड़ चुकी हैं, और सूत्रों की माने तो वो एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती थी, और जब वो देश छोड़ देती उसके बाद वो वीडियो चलाया जाता था, लेकिन उसका मौका उनको नहीं मिल पाया। और ऐसी स्थिति में अभी बताया गया है कि एम हसीना जाने से पहले, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, एक भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उनको उसका मौका नहीं मिला। और प्रधानमंत्री हसीना के एक वरिष्ठ सलाहकार ने भी, वहाँ के जो न्यूज एजेंसीज है, उनको इस्तीफे की बात बताई, और तभी से ये बात चल रही है कि वो इस्तीफा दे चुकी हैं, हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। और खबरें इस तरह की भी हैं कि वो भारत पहुंची हैं, इस तरह की भी हैं, अलग अलग तरीके की खबरें आ रही हैं। देखिए, आंदोलन 3 हफ्तों से था, 300 से ज्यादा मौतें हुई, और इसके साथ साथ जो कपड़ा की दुकानें हैं, यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों की भी मौत हुई, हिंसा हुई, मॉब लिंचिंग हुई, और अब ये स्थिति इस तरह पहुंच चुकी है कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर से शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं, और वहीं कुछ देर बाद सेना प्रमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबोधित करेंगे। और इस तरह का अंदेशा पहले से भी था, जिस तरह की जो एक्सट्रीमिस्ट ताकतें थी उनको कहीं ना कहीं ये शायद बर्दाश्त नहीं था कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं उनका भारत से इस तरह के संबंध और तमाम तरीके की चीज़ें, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इसको उस तरीके से जोर से देखा जा रहा है कि किसी और दूसरे देश का इसके पीछे सपोर्ट है, और ऐसी स्थिति में फिलहाल वहां पर हालत खराब है, और प्रधानमंत्री आवास पर दर्जनों से हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद है, और इसी के चलते करीब 1.5 घंटे पहले मिलिट्री हेलीकॉप्टर से शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। अब उम्मीद यही की जा रही है कि जब वो जहां पर भी पहुंचेंगी वहां से देश को संबोधित करेंगी सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन अभी फिलहाल अब तक 300 से ज्यादा मौतों की खबरें हैं, और इसके साथ साथ शेख हसीना के इस्तीफे की भी खबरें सामने आ रही हैं, और मिलिट्री हेलीकॉप्टर से भारत पहुंचने की भी बात यहाँ पर सामने आ चुकी है। अब आप देखिए, बांग्लादेश हिंसा में अभी तक 300 से ज्यादा मौतें, 14 पुलिस कर्मियों की मौत, 300 से ज्यादा पुलिस कर्मी घायल, 11,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार, और $10 बिलियन का इकोनॉमी का नुकसान अभी तक हो चुका है, और अगले आदेशों तक के लिए कोर्ट, रेलवे, बैंक, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, तो आप स्थिति देख सकते हैं। यहाँ तक कि 3,500 से ज्यादा कपड़ा फैक्ट्रियां भी बंद हो चुकी हैं, और कई तो आग की चपेट में आ चुकी हैं। तो फिलहाल वहाँ की स्थिति कैसी है ये सबके सामने है, और डरावनी है, और अब उम्मीद की जा रही है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद क्या तस्वीर सामने आएगी। अदिति, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अदिति, किसी भी देश के लिए इस तरह की परिस्थिति और ये तस्वीरें एक एक बुरे सपने जैसी हो जाती है, जिसमें
जनता सड़कों पर है, प्रधानमंत्री गायब है, वो चले गए हैं, इस्तीफा दिया नहीं दिया, ये चीज भी अभी डिलेमा में है। लेकिन आने वाले दिनों में सैन्य तख्तापलट के बाद परिवर्तन बांग्लादेश में कैसे नजर आएगा अदिति, और दूसरे देशों पर जो आसपास के देश हैं उन पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि खासतौर पर जब छात्र ही अब सड़कों पर निकल आए, इतनी बड़ी तादाद में आरक्षण का मुद्दा लेकिन अब उपद्रव में तब्दील हो चुका है अदिति। बिल्कुल, और देखिए जैसे दोबारा हिंसा शुरू हुई, पिछले महीने विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच में सेफ रखने की बात आई, और देखिए 6 दिनों तक बंधक बना के भी रखा। इनमें से अगर नाम की बात करें तो नाहिद इस्लाम नाम है, आसिफ महमूद, और ये तमाम लोग थे। लेकिन उसके बाद फिर आंदोलन वापस शुरू किया, जबरदस्ती वीडियो बनाए गए और गृह मंत्री पर दबाव भी डाला, तमाम तरीके की इंटरनल स्थिति हुई। और अब जब सैन्य तख्ता पलट होगा तो उसके बाद की स्थिति वो सामान्य जीवन की तरह नहीं होगी, और उम्मीद है कि लंबे समय तक ऐसा नहीं होगा। देखिए छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर, जैसे कि नाहिद इस्लाम ने प्रदर्शनकारियों से अपील की, कहीं ना कहीं जो युवा शक्ति है वो जमीन सड़क पर आ गई, और उसके बाद ये स्थिति हुई। लेकिन ऐसे में जहाँ पर अभी पढ़ाई, एजुकेशन, सेफ्टी, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होनी चाहिए थी, वो एक अलग ताकतों के चलते इस तरह की स्थिति आई। और उन्होंने लगातार, नाहिद इस्लाम ने आंदोलन को सबसे बड़ा चेहरा दिया, सबसे बड़ा चेहरा वो बने। अब देखिए इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, और उसने पुलिस पर आरोप लगाया कि 20 जुलाई की सुबह उन्होंने उसे उठा लिया था, हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वर्दी में कुछ लोग नाहिद को गाड़ी में बिठा रहे थे, और ये एक आंदोलन इतना जबरदस्त उठा कि अब ये स्थिति यहाँ पर आ गई। छात्रों को विपक्ष, पूर्व सैनिक अधिकारियों का साथ भी मिल गया, और अब आप ये देखिए खास कि विपक्ष जो इस सरकार को हटाना चाहती थी और पूर्व सैनिक अधिकारी, तो ये तमाम चीजें जब जोड़ के देखते हैं, जैसे कुछ पूर्व सैनिक अधिकारियों को भी छात्र आंदोलन को समर्थन मिला, और जैसे अगर बात करें कि पूर्व सैनिक प्रमुख जनरल इकबाल करीम भूया को भी सेना को बैरकों के लौटने की अपील के साथ साथ तमाम तरीके की स्थिति हुई। तो ऐसी स्थिति में चीज साफ हुई कि कहीं ना कहीं जो सपोर्ट मिला इस आंदोलन को, उसके बाद अब जो तस्वीर है, लेकिन अब सामान्य जीवन नहीं होगा, सेना अपने तरह से चलाएगी, जीवन को सामान्य वापस लाने के लिए छात्रों को से अपील, और इसके साथ साथ कैसे जो सामान्य जीवन, दुकानें खुलना, कोर्ट खुलना, तो इसमें भी बहुत समय लगेगा। और ये भी देखना होगा कि जब हम जो शेख हसीना है जिनके इस्तीफे की खबर आ रही है, उनका क्या रुख रहता है, विपक्ष का क्या रुख रहता है, तो ये तमाम अभी बहुत सारी स्थितियां होंगी। और ये भी देखना होगा कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया का इसको लेकर क्या रुख रहता है, क्योंकि हम आज जो स्थिति में खड़े हैं वहां पर भारत एक ऐसे लीडर के रूप में खड़ा है जहां पर भारत के द्वारा कही गई बात या भारत के द्वारा किया गया कोई भी एक्शन बहुत महत्वपूर्ण रखता है, और पूरी दुनिया लुकअप करती है कि भारत का क्या स्टैंडर्ड, जब चाहे बात यूक्रेन की हो, चाहे बात फिर रशिया की हो, तमाम तरीके की स्थिति में। ऐसे में अब ये महत्वपूर्ण है कि जिसको हमेशा कहा जाता था कि बांग्लादेश छोटी बहन की तरह है, भारत बड़े भाई की तरह है, ऐसी स्थिति में भारत का क्या रुख होगा। और देखिए अब चाहे भारत की बात करें तो नेचुरल कैलामिटीज का जिक्र करें, रशिया यूक्रेन में जिस तरह की स्थिति है, इसके अलावा दुनिया के अलग अलग जगह या तो वॉर की स्थिति है, फिर बांग्लादेश में ऐसी स्थिति, तो जाहिर तौर पर वैश्विक स्तर पर इसको लेकर एक फैसला होगा, क्योंकि किस तरीके से अभी अफगानिस्तान में कुछ समय पहले कैसे टेक ओवर किया गया, तमाम तरीके की स्थिति, जाहिर तौर पर भारत का एक रुख होगा इसको लेकर, क्योंकि जब हम 1971 की वॉर याद करें और बांग्लादेश कैसे इंडिपेंडेंट हुआ उसको याद करें, और फिर आज ऐसी स्थिति में, तो भारत का रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा, भारत को समझ के एक अपने विदेश जो नीति है। लेकिन अदिति तस्वीरें अभी जो सीधी नजर आ रही है, तस्वीरें कहीं ना कहीं डराने वाली भी, और ये सोचने भी डालती है कि आखिर जो मेरिट में आने वाले छात्र हैं जिनके बहुत अच्छे रैंक से, उन्हें भी आरक्षण की वजह से नौकरियां नहीं मिल रही, और गुस्सा कुछ इस कदर फूटा उनका कि अब से कुछ देर पहले एक तस्वीर आ रही थी सामने जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की जो एक बड़ी सी प्रतिमा वहां पर लगी हुई किसी जगह पर, उस पर एक छात्र चढ़ गया, उसे तोड़ रहा था, उसे खंडित किया जा रहा था। अब ये तस्वीरें कहीं ना कहीं और ज्यादा उग्र क्या होंगी अदिति, या फिर अब क्योंकि सेना के पास में हैंडओवर पहुंच गया है, सेना अपनी तरह से डील करेगी और फिर कुछ सख्ती भी इन छात्रों के हिसाब से होगी, क्योंकि सैकड़ों लोगों की मौत का ऐलान अब तक किया नहीं गया है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, कितने लोग मारे गए, क्या वो सत्तारूढ़ी दल से थे या फिर वो प्रदर्शनकारी थे, इस चीज की भी कोई क्लैरिटी नहीं है।
बिल्कुल नहीं। आप देखिए, कभी बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन इतना हिंसक हो जाएगा कि बेकाबू हालात हो जाएंगे देश के, और देश के शीर्ष नेतृत्व को देश छोड़कर जाना पड़ेगा। करीब 4 लाख लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो ऐसी स्थिति में, जैसा मैंने कहा कि युवा शक्ति आरक्षण के विरोध में जब सड़क से उतर आया है, तो अगर सैन्य तख्ता पलट भी हो रहा है उसके बाद भी स्थिति को काबू करना इतना आसान नहीं होगा। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश में चाहे जॉब्स को लेकर, चाहे फिर महंगाई को लेकर, तमाम तरीके की चीजें, वैसे ही बहुत स्ट्रगल था। ऐसे में देश ऐसी स्थिति में एक बार फिर शायद दशक पीछे चला जाता है। तो उन सबको देखना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा सामान्य स्थिति नहीं नजर आ रही है। लेकिन फिर भी सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है कि जब सेना के कमांडर, सेना के जो प्रमुख है, चीफ है, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद क्या कुछ होता है, उनकी प्रेस वार्ता में क्या कुछ होता है, और उस स्थिति को सामान्य आदित्य प्रेस कॉन्फ्रेंस एक चल रही है, सुनवाते हैं दर्शकों को। समस्त राजनीतिक दल नेतृबृंद के एखने आमंत्रण করেছিলাম, ওনারা এখানে এসেছেন, আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব, এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এদেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। আমরা এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাব, যে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্মের ব্যাপারে ওনার সাথে আলাপ আলোচনা করে আমরা একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে দেশ পরিচালনা করব। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, সমস্ত হত্যা, সমস্ত অন্যায়ের বিচার আমরা করব। আপনারা সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন, আমি সমস্ত দায় দায়িত্ব নিচ্ছি। আপনাদের জানমাল এবং আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনারা আশাহত হবেন না, ইনশাল্লাহ আপনাদের যত দাবি আছে সেই দাবিগুলো আমরা পূরণ করব এবং দেশে একটা শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসব। আপনারা আমার সাথে সহযোগিতা করেন, দয়া করে আর এই ভাঙচুর, হত্যা, মারামারি, সংঘর্ষ এগুলো থেকে বিরত হন। আমি নিশ্চিত যে আপনারা যদি আমার কথা মতো চলেন, আমাদের সাথে যদি একসাথে যদি কাজ করে করি, আমরা নিঃসন্দেহে আমরা একটা সুন্দর পরিণতির দিকে আমরা অগ্রসর হতে পারব। আপনারা দয়া করে আমাকে সাহায্য করেন, মারামারি করে এই সংঘাতের মাধ্যমে আমরা আর কিছু অ্যাচিভ করতে পারব না, আর কিছু আমরা পাব না। সুতরাং দয়া করে আপনারা সমস্ত ধ্বংসযজ্ঞ, সমস্ত অরাজকতা, সমস্ত সংঘর্ষ থেকে বিরত হন, এবং ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মিলে একটা সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে আমরা অগ্রসর হব। প্রতিটা হত্যার বিচার করা হবে, প্রতিটা অন্যায়ের বিচার হবে। আমরা আজকে সুন্দরভাবে কথা বলেছি, সমস্ত দলের প্রধান প্রধান দলের নেতাগণ এখানে, নেতারা এখানে উপস্থিত ছিলেন, আমি ওনাদের ইনভাইট করেছিলাম এখানে, ওনারা ভেরি নাইস অফ দেম যে ওনারা এসেছেন, অ্যান্ড আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি, এবং এই আলোচনাটা ফলপ্রসূ হবে বলে আমি মনে করছি, এবং আমরা একটা সুন্দর একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা দেশ পরিচালনা করব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন, এবং এখন छोड़ दिया है। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया की तस्वीरें, प्रदर्शनकारी अभी भी सड़कों पर है और बड़ी तादाद में, देखिए सेना ने मोर्चा संभाला है अब फील्ड में उतरकर सड़कों पर, और पुलिसकर्मियों की जगह भी अब सेना के जवान आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया की तस्वीरें। और এবং শান্তি শৃঙ্খলার পথে ফেরত চলে আসে। আমাদের দেশের অনেক ক্ষতি হচ্ছে, অর্থ সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে, জানের
লোকজন মারা যাচ্ছে, তো এগুলো থেকে আপনারা বিরত হন এবং আমাদের সাহায্য করেন। আমি সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছি, আপনারা আমাকে সাহায্য করেন। সবাইকে ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফেজ। তো বাংলাদেশ মে তসবীরে কিস তরহ विचलित कर सकती है किसी को भी, वो आप देख पा रहे हैं इस दृश्य के जरिए। सबसे पहले फर्स्ट जहां पर तस्वीरें हेलीकॉप्टर के जरिए शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। बांग्लादेश के हालात पर पहली नजर है, शांति व्यवस्था। आज के एखाने जमातेर आमिर छिलेन, हमारे बीएनपी शीर्षस्थानीय नेतृबृंद एखाने छिलेन, জাতীয় পার্টির নেতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দ এখানে ছিলেন, এবং সুশীল সমাজ এবং এখানে ডক্টর আসিফ নজরুল, উনি নিজেও ছিলেন এখানে, এবং উনি আমার সামনেই উনি সমস্ত ছাত্রদেরকে একটা সুন্দর বার্তাও দিয়েছেন, এবং আমি আশা করি যে ছাত্ররা সেই বার্তা শুনে ওনার কথা, ওনাকে সবাই শ্রদ্ধা করে, ছাত্ররা শ্রদ্ধা করে, ওনার এই বার্তা শুনে তারা এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে চলে আসবে এবং আমরা একটা সুন্দর একটা পরিস্থিতির দিকে আমরা এগিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। এখানে আওয়ামী লীগের কেউ ছিল না, আওয়ামী লীগের কেউ ছিল না। হ্যাঁ, আজকে বিকজ আমাদের এই সময় নাই, এটা একটা বিশেষ একটা পরিস্থিতি, আমরা আজকে গিয়ে এই পরিস্থিতি এটা একটা আমরা একটা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসবো। সেনাবাহিনী শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজ চালিয়ে যাবে, এবং আপনাদের সবার দায়িত্ব, ছাত্রদের দায়িত্ব, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক কর্মীদের দায়িত্ব হচ্ছে সেনাবাহিনীকে সাহায্য করা, এবং আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদেরকে এই যে একটু আমাদের সাহায্য করেন, সুতরাং আমরা তাহলে এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ সহজেই নিয়ে আসতে পারব। না, যদি জিনিসটা শান্ত হয়ে যায় তাহলে আর কারফিউর কোনো প্রয়োজন নাই, কোনো জরুরি অবস্থার প্রয়োজন নাই, কোনো কারফিউর প্রয়োজন নাই, কোনো গোলাগুলির প্রয়োজন নাই। আমি আদেশ দিয়ে দিয়েছি সেনাবাহিনী কোনো গোলাগুলি করবে না, পুলিশ কোনো গোলাগুলি করবে না। আমি আশা করছি যে আমার এই বক্তব্যের পরে পরিস্থিতি উন্নতি হবে, আমরা একটা সুন্দর পরিবেশের দিকে যাচ্ছি। আমরা এটা না, আমি আজকে রাতের মধ্যে একটা আমরা সলিউশনে যাওয়ার চেষ্টা করবো, বাট আমাদের হয়তো দু একদিন সময় দিতে হবে। এটা আমরা এখনো এটা টু আর্লি, আমরা যাচ্ছি যে আমরা কথা বলবো মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে, আমরা একটা সুন্দর সলিউশনে আমরা পৌঁছাবো। পরিস্থিতি ছিল খুব কম, সময় খুব কম ছিল, আমি যাদেরকে পেয়েছি অনেককেই আমি বলেছি সবাই হতেন, বাট প্রধান রাজনৈতিক দলের সমস্ত নেতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দরা তাদের সাথে আমি কথা বলেছি এবং ওনারা সবাই আমাদের এই প্রস্তাবে, এই যে আমরা যে আলোচনা করছি, সবাই এটাতে রাজি হয়েছেন। এখানে মমিনুল হক সাহেব ছিলেন, এখানে জামাতের আমির ছিলেন জুনায়েদ সাকি, উনি ছিলেন, তারপরে ডক্টর আসিফ নজরুল ছিলেন, আমরা সবাই মিলে এবং সবাই আমরা এটাতে একমত পোষণ করেছি। এখন ছাত্রদের কাজ হচ্ছে যে শান্ত হওয়া এবং আমাদেরকে সাহায্য করা। আমার এই বক্তব্যের ডক্টর আসিফ নজরুলকে রিকোয়েস্ট করেছি, যেহেতু ওনাকে ছাত্ররা শ্রদ্ধা করেন এবং উনিও একটা সুন্দর একটা ভিডিও মেসেজ উনি দিয়েছেন ছাত্রদের জন্য, আমি আশা করব যে এই ভিডিও মেসেজটাও কাজে ইয়াদ হবে, কাজ দিবে, এভাবে আমরা কাজ করে যাব। সবাই ভালো থাকেন, সবাই ভালো থাকেন, সবাইকে ধন্যবাদ। এখানে আপনারা যত প্রশ্ন করতে থাকবেন আমাকে দেরি করাবেন, ইট ইজ টু আর্লি, ইট ইজ টু আর্লি, আমরা কাজ করছি, আমাদের একটু কাজ করতে দেন, একটু একটু সময় দেন,
আমরা একটা সলিউশনের মধ্যে আমরা যাব ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আপনারা সবাই যারা আন্দোলনরত যারা ছাত্ররা আছেন, আন্দোলনরত যত লোকজন আছেন, দয়া করে ঘরে ফিরে যান। সবাই ভালো থাকেন, আল্লাহ আমাদের মঙ্গল করুক। আল্লাহ হাফেজ। बांग्लादेश के आर्मी चीफ को आप सुन रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद अब क्योंकि सरकार सेना के हाथ में है, सेना की ओर से आर्मी चीफ ने कहा कि अनुशासन बनाए रखिए, स्थितियां विपरीत हो सकती है, सभी हथियारों पर मुकदमा चलाया जाएगा, सभी मांगे भी पूरी की जाएंगी। और यह आश्वासन उन्होंने इस प्रेस वार्ता के जरिए दिया, कहा कि देश को शांतिपूर्वक स्थिति में बहाल किया जाएगा, संयम बरते, संघर्ष और अराजकता से कुछ भी हासिल नहीं होगा। शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने ढाका पैलेस को छोड़ा। ये सभी बातें आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन दूसरी तस्वीर आप नीचे देख रहे हैं, अभी भी हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में पूरे बांग्लादेश में अलग अलग हिस्सों में इस बात को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर, जो प्रतिमा थी, माफ कीजिएगा, उस प्रतिमा को भी उन्होंने ढहाने की कोशिश की है। जगह जगह आगजनी हो रही है, प्रदर्शनकारी यहां पर साफ तौर पर सिर्फ एक ही मांग पर अड़े हुए हैं और इसी मांग को लेकर बड़ी तादाद में वो ढाका पैलेस में भी दाखिल हुए। लेकिन शेख हसीना जो समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद भी वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वो निकली। अब जानकारी तो ये भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि भारत का उन्होंने रुख किया हो, भारत के अगरतला में एक हेलीकॉप्टर के लैंड होने की तस्वीर और खबर सामने आई है। लेकिन इस स्तर का इतना बड़ा विरोध बांग्लादेश ने आज जिन तस्वीरों के जरिए देखा, और कल शाम 6 बजे के बाद से ही क्षेत्र में कर्फ्यू लगा हुआ है। पूरे बांग्लादेश की स्थितियां कुछ इस तरह से है कि वहां पर ये समझ पाना भी मुश्किल है कि सेना कौन सी है और फिर प्रदर्शनकारी कौन से हैं, क्योंकि सेना अब साफ तौर पर कह चुकी है कि कल और कल से पहले भी हिंसक प्रदर्शन के दौरान जितने भी लोगों की जान गई है और हथियारों के हत्या के तौर पर उस मुकदमे को दर्ज किया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी और सजा भी होगी। बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार उज्जमान की प्रेस वार्ता आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया है, अब बांग्लादेश में सेना मोर्चा संभाल रही है और जिस सैन्य तख्तापलट का अंदेशा था वो स्पष्ट हो गया है। बंगाल में सैन्य तख्तापलट का अंदेशा क्लियर हो गया है। ढाका में आगजनी की तस्वीरें सामने आई, तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया, ये बड़ी तादाद में, क्योंकि पुलिस की जगह पर भी अब सेना के जवान फील्ड में तैनात हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं। 1971 के मुक्ति युद्ध के बाद 56% जो आरक्षण है उससे जोड़कर छात्र जब इस प्रदर्शन की मांग कर रहे थे, मेरिट में आने वाले छात्र, टॉप पर आने वाले छात्र, अच्छी रैंक्स वाले छात्र जॉब नहीं पा रहे थे, नौकरियों से वंचित रहे, और उस चीज का आक्रोश, उस चीज का गुस्सा कुछ इस तस्वीर के जरिए फूटा, क्योंकि देखते ही देखते ये नासूर में तब्दील हो गया। तादाद इतनी ज्यादा हो गई प्रदर्शन करने वालों की कि अब यहां स्थितियां कुछ ऐसी हो गई है कि जो पहले प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, पूर्ववर्ती भी कहा जा सकता है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद वो ढाका छोड़कर निकल गई है अपनी बहन के साथ। तस्वीर आपने वो भी देखी, शेख मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना के पिता, उनके एक प्रतिमा, बड़ी सी विशाल का प्रतिमा वहां पर थी, उस पर एक छात्र चढ़ गया, उसे खंडित कर दिया और कहीं ना कहीं ये संदेश दिया कि उन्हें अब इस परिवार से कोई नहीं चाहिए, क्योंकि सुनी किसी ने भी नहीं। और उसके बाद सैकड़ों लोगों की जान चले जाना, 300 लोगों की मौत की खबर है, औपचारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि वाकई में जान कितने लोगों की गई, लेकिन ये तादाद बढ़ने वालों की संख्या सैकड़ों में है। और इस चीज को अभी एक्सेप्ट किया आर्मी चीफ ने भी, उन्होंने कहा कि जितने लोग मारे गए हैं, हत्या का मुकदमा उन लोगों के ऊपर दर्ज किया जाएगा और सभी हत्यारों को सजा भी सुनाई जाएगी। जिनकी मौत हो गई है और जिन्होंने मारा है उन पर हत्या का मुकदमा होगा और हत्यारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेना अंतरिम सरकार बनाएगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस की जगह सेना की तैनाती की जाएगी और तभी यहां स्थितियां जो विकट हो चली है वो शायद संभवतः सेना ने संभालने का जो बीड़ा उठाया है। बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार उज्जमान ने घोषणा की, कहा कि संयम रखिए, शांति बनाए रखिए, मीडिया से भी अपील की और 24 घंटे का अलर्ट है। बीएसएफ ने बांग्लादेश बॉर्डर पर अलर्ट दे दिया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समय की, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी 24 घंटे का अलर्ट दिया गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट के बाद यह अलर्ट अब सामने आया है। बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट के अंदेशे को पहले चलाया जा रहा था तस्वीरों के माध्यम से भी, लेकिन आप
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद काफी सारी चीजें स्पष्ट, अब सेना संभालेगी मोर्चे को।